हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल दी स्टडीज़। फ्रेंड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फ्रेंड, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचन के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा वो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हार्मोन अग्न्याशय के पाचन को उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा वो है फास्फोरस 32। फ्रेंड, यहाँ पे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया होता क्या है? ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर बीमारी है जो कि जिसका प्रयोग हम सॉरी जिसके रोकथाम के लिए हम फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे जो ल्यूकेमिया होता है वो असाधारण रक्त जो कोशिका होती है उसकी बढ़ोतरी होती है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा एटीपी। एटीपी के रूप में हमारी जो ऊर्जा होती है उत्पादित होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर है यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना किस हार्मोन को प्रेरित करता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा ऑक्सीटोसिन के मोचन से होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे हम प्रेम का हार्मोन भी बोलते हैं। और फ्रेंड, जब हमारे जो पशु होते हैं उनमें जब उनमें दूध का स्त्राव कराना होता है तो वहाँ भी ऑक्सीटोसिन का ही हम इंजेक्शन लगाते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा सोडियम तथा पोटेशियम का। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति की मापन में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर है रेडियो सोडियम का। एंड फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा चूहा। चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे छिपकली है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। एंड फ्रेंड, यहाँ पे जो लिंग गुणसूत्र होता है मानव में 46 होता है और 23 का पेयर होता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जिसकी मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो है चींटी। चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है और चींटी अपने शरीर के अनुपात में 10 गुना अधिक भार उठाती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो यह लक्षण कब उत्पन्न होंगे? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। जो वर्णांत होता है यह एक जो जेनेटिक्स बीमारी होती है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो शोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा कि यह तीव्र हो जाती है, यानी हमारी जो श्वसन दर होती है वह तीव्र हो जाती है। किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर की कोशिकाओं की रचना की है? तो फ्रेंड, यहाँ है जापान के वैज्ञानिकों ने। फ्रेंड, यहाँ पे स्टेम सेल जो होता है, जो गर्भ शिशु होते हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें मानव अंग के विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो प्रोटीन एंड लिपिड से। जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क से जो मस्तिष्क की जो क्रिया विधि होती है यानी एक्टिविटी होती है उसे ईईजी क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। और फ्रेंड, यहाँ पे एक ईसीजी होता है जो क्या करता है कि जो हृदय स्पंदन को मापता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के जड़ों में किस अंग के जमाव से गठिया रोग होता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो यूरिकमल होता है उसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है। फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड, यहाँ पे मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जो होता है लंबे समय तक जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारा ये प्रभावित होने वाला अंग होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन सी कीटभक्षी मछली प्रयोग में लाई जाती है? तो फ्रेंड, यहाँ पे गैम्बूसिया, गैम्बूसिया जो होती है प्रयोग लाई जाती है मच्छरों के नियंत्रण हेतु।
एंड हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रेडियो समस्थानिक जिसे खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सोडियम 24 होता है वो हमारा जो खून का थक्का जमा या नहीं जमा इसका पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ एंड थैंक यू सो मच।